नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां बरार समाज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई और बताएंगे कैसे रायबरेली में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। अस्पताल में भीषण गर्मी के कारण बच्चों और बूढ़ों को उल्टी, दस्त, हैजा, तेज वायरल बुखार, गर्म हवा की चपेट में आने से लू के मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। रोज की ओपीडी 800 के पार पहुंच चुकी है। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए भर्ती करा रखा है। वहीं 43.4 डिग्री से अधिक तापमान होने से जिला अस्पताल में उल्टी, दस्त, एलर्जी, बुखार के मरीज की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको लेकर मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तेज गर्मी में बाहर ना निकलें, आवश्यक कार्य ही हो तो बाहर जाएं। जाने से पहले पानी अच्छे से पिएं, सर और मुंह को ढक लें, तरल पदार्थ का उपयोग करें, नींबू पानी, गन्ने के जूस का ज़्यादा सेवन करें, बाहर की खाद्य वस्तु का इस्तेमाल ना करें। यदि तेज़ बुखार, उल्टी, दस्त, एलर्जी होने पर जिला अस्पताल जाएं और समय पर अपना उपचार कराएं। जिला अस्पताल में दवाई पर्याप्त है, वहां से निशुल्क दवाई लें, परेशानी आने पर संपर्क करें। देखिए, अभी वर्तमान में जो तापमान चल रहा है वो करीब 44 डिग्री के करीब है और जिला अस्पताल की अगर बात करें तो लगभग 6000 मरीज हो चुके हैं हमारे, जिसमें उल्टी, दस्त, डायरिया, विभिन्न बीमारियों के बुखार वाले मरीज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लू की संभावना व्यक्त की है कि आप घरों से बाहर निकलें। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो माथा ढक के निकलें या तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करें और अननेसेसरी बाहर धूप में ना घूमें, घर में ही रहें। फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कि मुँह सूख रहा है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है या हथेली आपकी जल रही है, तो तत्काल लू के सिम्टम्स हैं, आप तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं निःशुल्क आपका उपचार किया जा सकता है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तली गली चीज़ें ना खाएं, जो मक्खी वक्खी वाली है, जो खुली में जो खाने खाद्य पदार्थ होते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसा लग रहा है मानो सूरज आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश में नौतपा का असर रहेगा। राजस्थान से जो सटे हुए जिले हैं उसमें भीषण गर्मी रहेगी। कई जिलों में 43 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दर्ज किए गए हैं और ये स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जिसके चलते तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है और भीषण गर्मी का असर रहेगा। जैसा कि राजस्थान की तरफ से शुष्क हवाएं आ रही हैं, उसके वजह से राजस्थान से सटे हुए जो भी जिले हैं वहां पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और लू की स्थिति बनी हुई है। सबसे अधिकतम तापमान खरगोन और खंडवा में 45.5 दर्ज किया गया है, जहां पर लू की स्थिति चल रही है। उसके अलावा राजगढ़, रतलाम में भी 45 के आसपास रहा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो कम से कम 28 जिले हैं जहाँ पर टेम्परेचर 43 के ऊपर चल रहा है। लगभग यही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। उसके हिसाब से अगर 27 तारीख के अलर्ट की बात करें तो हम 10 जिले में रेड अलर्ट दिया गया है, जो भी राजस्थान से सटे हुए हैं, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, शिवपुर कला। और इसके अलावा अगले 18 जो हैं उनमें, उन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये स्थिति लगभग अगले दिन भी बराबर लगी बनी रहेगी, लेकिन 29 के बाद थोड़ी सी राहत है, जो लू की निमाड़ से हट के खाली ग्वालियर और चंबा जिले में रह जाएगा। उसके बाद फिर वो स्थिति भी और कम हो जाएगी। भोपाल में जो टेम्परेचर कल दर्ज किया गया 42.9 दर्ज कर गया है, लेकिन वो आज थोड़ा सा बढ़ के 44 के आसपास रहने की संभावना है, फिर वो भी कम हो जाएगा। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाले के विसल लोअर रवि परमार बोले, मेरी जान को खतरा। रवि परमार ने पत्र लिखकर नर्सिंग महाघोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से समय मांगा। रवि को आशंका, नर्सिंग घोटाले में लिप्त रसूखदार और अधिकारी मेरे खिलाफ रच सकते हैं षड्यंत्र, झूठे प्रकरणों में भी फंसाया जा सकता है। आज हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समय मांगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ और नर्सिंग फर्जीवाड़े की वजह से पूरे देश में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि वो कार्रवाई करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े हैं, जिसके आधार पर हमने मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा उजागर किया, वो साक्ष्य सौंपना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम अवगत कराना चाहते हैं कि ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा जब हम उजागर कर रहे थे
तो हमने कई हमारे ऊपर कई तरह से अधिकारियों ने दबाव बनाया और उन अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक कई बार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, कई बार मुझे जेल तक भेजा और इस तरह से मध्य प्रदेश में अधिकारी नरसिंह फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे और अधिकारियों द्वारा अब भी इसमें कई बड़े अधिकारी और रसूखोर शामिल है पूरे नरसिंह घोटाले में और ये अब भी मेरे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कोई भी झूठा प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि षड्यंत्र पूर्वक करके मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाले हमने देखा कि कई लोगों की हत्या हो चुकी थी, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था उससे भी बड़ा ये नरसिंह फर्जीवाड़ा है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरूनी में सामाजिक धानुक बराड समाज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें ललितपुर एवं टीकमगढ़ के चार पंचों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उसे मिटाना आवश्यक है। समाज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि धानुक बराड समाज की दोनों जिलों में बैठक हुई जिसमें शराब का सेवन नहीं किया जाएगा, जिसमें जो सामाजिक समाज का निर्णय हुआ, जो भी व्यक्ति का निर्णय का उल्लंघन करेगा उसे समाज दंडित करेगा। सर, एक महरौनी में एक समाज बैठक हुई है, इसमें आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी समाज में कुरीतियां फैलती जा रही है और ये जो गड़बड़ियां पैदा हो रही है, सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। समाज एक साथ होकर के और समाज उसका असामाजिक तत्वों के लिए उसमें शांति उनको शांत करना चाहते हैं। सर, जैसे जो महरौनी समाज के अंदर एक पुरानी पीढ़ी में एक कुरीति चल रही है, इस कुरीति को ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। रायबरेली में देर रात भीषण ट्रक दुर्घटना हो गई। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक कार स्कॉर्पियो को टक्कर मारते हुए घर में घुस गया। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने लखनऊ प्रयागराज NH 232 की है, जहां देर रात एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने कार को टक्कर मारी। इसके बाद अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो को टक्कर मारते हुए घर में घुस गया। घर में ट्रक के घुसते ही घर का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, केवल ट्रक ड्राइवर घायल हुआ। घायल ट्रक ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल भेज दिया है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।